तो अब स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और उसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या पढ़ेंगे आज की पढ़ाई है लॉ ऑफ मास एक्शन। इट इज आल्सो नोन एज गुलबर्ग्स एंड वागे प्रिंसिपल बिकॉज इट इज गिवन बाय गुलबर्ग्स एंड वागे। तो गुलबर्ग्स और वागे का नियम है, वागे का रूल है ये गुलबर्ग्स एंड वागे प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल लॉ द रेट ऑफ क्या होता है बेटा, स्पीड। रेट से मतलब है रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन यानी एक तरह से स्पीड मान सकते हैं अपन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास क्या होता है, वो कंसंट्रेशन होती है एक्टिव मासेस या फिर मोलर कंसंट्रेशन। चाहे एक्टिव मास कीजिए कहे, चाहे मोलर कंसंट्रेशन कहो, चाहे मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट बाय बॉक्स एक स्क्वायर ब्रैकेट कहो, ये सब एक ही बात है, ठीक है ना। मोलर कंसंट्रेशन को मोलैरिटी भी बोलते हैं बेटा, मोलैरिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, उस केमिकल की रेट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन, ये बॉक्स हो जाएगा, ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, याद रखें इसको, नोट कर लें। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, रिएक्टेंट्स के। सपोज अब रिएक्टेंट क्या है, सपोज ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, मान लो ए और बी प्रोडक्ट दे रहे हैं बेटा, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगी केमिकल की, रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरी केमिकल की रिएक्शन क्या आएगी, क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन, इसमें आ गई आपके रिएक्टेंट्स की, रिएक्टेंट कौन है, ए एंड बी। तो कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो ऊपर अपन ने ब्रैकेट लगाया है वो कंसंट्रेशन का है बेटा। और प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो के लग जाता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, के को रेट कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं, रेट कॉन्स्टेंट। तो ये है किसी की भी रेट लिखनी है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है हमेशा। और यदि आपके आयोनाइजेशन लेते हैं अपन, तो वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। तो ये है आपके लॉ ऑफ मास एक्शन। मान लीजिए इनके मोल्स अलग है, सपोज N1A प्लस N2B N3C गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो इसकी रेट कैसे लिखेंगे, तो इसमें N1 N2 N3 क्या है, मोल्स ऑफ ए बी एंड सी, तो मोल्स की फॉर्म में डिनोट करेंगे। और मोल्स हमेशा कहाँ जाएंगे, उसके पावर में चले जाते हैं, ठीक है ना, कितने मोल्स है उसके अकॉर्डिंग फिर वो कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट कौन है ए, उसके मोल N1 है, तो उसको अपन लिखेंगे N1 कंसंट्रेशन ऑफ बी। और ये आगे पावर में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी स्टॉइकोमेट्री, इसको बैलेंस करना पड़ता है भाई, इसके रेस्पेक्ट में मोल्स ज्यादा होंगे तो रेट ज्यादा ही होगा, चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है उसकी रेट ज्यादा ही होगी। N2 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर N3, तो अपन इसको लिख सकते हैं रेट कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल हटा दो, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ N1 कंसंट्रेशन ऑफ आपके N2 और कंसंट्रेशन ऑफ N3। ओके, नाउ वी आर स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। एप्लीकेशन पढ़ने से पहले यदि आपको चीजें नहीं आती है कि क्या होती है रेट, किसी की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और व्हाट इज द एक्टिव मास, तो नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर, वो होते हैं आपके एक्टिव मास। तो इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या होती है एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज ए रिएक्शन अकर्स इन फॉलोइंग वे, रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये सब चीजें जो है, ये चैप्टर किसका है, इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। तो एक रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, सपोज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ले लेते हैं बेटा आर एफ,
और रेट ऑफ बैकवर्ड लिख सकते हैं आर बी. ओके व्हाट इज द आर एफ एंड आर बी, आर एफ एफ ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. व्हाट इज आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ओके तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन कौन है रिएक्टेंट ए एंड बी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये फॉरवर्ड की रेट हो जाएगी. इसको आप प्रोपोर्शनलिटी हटा दो क्या लगा दो के एफ, व्हाट इज द के एफ, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके के एफ आ जाएगा बेटा यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी. दोस्ती कर लेते हैं व्हाट इज द के एफ, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है. ये हो गया इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए. अब ले लेते हैं बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है, सीडी इधर जा रही है तो ये रिएक्टेंट हो गया ये प्रोडक्ट हो गया, इधर जा रहा है तो ये रिएक्टेंट हो गया ये प्रोडक्ट हो गया. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिसको किससे डिनोट करेंगे आर बी से, आर फॉर रेट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, इधर जा रही है तो ये रिएक्टेंट हो जाएंगे बेटा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसके प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो आर बी इक्वल्स टू क्या होगा के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये डी है ऊपर वाला ध्यान रखना. ओके और के बी से भी अपन इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं टू, और व्हाट इज द के बी, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है. अब आप पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, तो इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी. एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है इक्विलिब्रियम, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. ओके एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. नाउ वी आर पुट द वैल्यू ऑफ RF and RB in the equation number from the equation 1 or 2. इसमें value put कर दीजिए तो क्या हो जाएगा RF, तो ये RF की forward direction की value ये रही बेटा, इसमें लिख देंगे KF, ये हो जाएगा rate constant concentration of A and concentration of B. इसी तरह से RB किसके बराबर हो जाएगा KB concentration of C and concentration of D. No doubt. Okay. ये होता है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे बहुत रेट इक्वल हो जाते तो अपन ने भी इक्वल कर दिया. अब मैं चाहता हूँ के एफ रेट कांस्टेंट इतने जाओ इस, ठीक है ना, और ये अपन आगे लाते हैं तो ये हो गया आपके ये अपन चाहता हूँ कि रेट कांस्टेंट, तो के एफ लिख दिया इसको लाओ नीचे क्रॉस में, ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी, इट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, तो ये वाली चीज कहा जाएगी डिवाइड में जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, और ये चीज कहां जाएगी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी. ओके दीज आर द रेट कांस्टेंट, के एफ और के बी क्या है रेट कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, तो देखना रह दो अभी इधर आइए आप, रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट के एफ अपॉन के बी, ये क्या है रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड ए न्यू कांस्टेंट, द हीरो ऑफ द दिस चैप्टर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. What is equilibrium constant? It is the ratio of the rate constants of the both reactions. दोनों reactions का rate constant होता है, वो होता है आपके ratio होता है, वो होता है Kc, ठीक है ना? It is called equilibrium constant. तो एक नया constant आया है, वो है equilibrium constant. क्या होता है? Ratio of rate constant.
कांस्टेंट का रेशियो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, है ना। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आ रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसकी जगह Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हुआ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है Kc। तो ये हो गया C की कंसंट्रेशन एंड D की कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन एंड B की कंसंट्रेशन, इट इज द हीरो ऑफ द रिएक्शन Kc। तो किसी का भी यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बेटा, उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होता है Kc। Kc यदि ये तो है कंसंट्रेशन लिक्विड के लिए, ठीक है ना। लेकिन गैस जो होती है उसको कैसी कंसंट्रेशन दिखाते हैं, वो गैस का तो प्रेशर होता है, तो उसके लिए Kp यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर गैस इक्वेशंस वी यूज्ड Kp इन प्लेस ऑफ Kc। Kc की जगह Kp लिखेंगे, प्रेशर लिखना पड़ेगा। एंड सपोज PA PB, प्रेशर हो जाएगा A का, हो जाएगा B को, हो जाएगा PB PC एंड PD। ये क्या हो गया बेटा, गैस का तो प्रेशर होता है ना, तो P लेना पड़ेगा। PA PB PC एंड PD आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है ना, गैस ए बी सी डी। यदि ये गैस होगी ए बी सी डी तो उनके पार्शियल प्रेशर है। तो लिखना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही आएगा, पर लिखेंगे Kc की जगह क्या, Kp, नोट करना पड़ेगा इसको। तो क्या लिख देंगे अपन, Kp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ये रहे Pc, C की कंसंट्रेशन प्रेशर अपॉन ये मल्टीप्लाई ना D का प्रेशर, A की कंसंट्रेशन और O, ठीक है ना, A का प्रेशर और B का प्रेशर। तो यह P आ जाएगा, वहां तो कंसंट्रेशन है और यहाँ प्रेशर की फॉर्म है, इट इज कॉल्ड Kp। तो व्हाट इज Kc Kp, दीज आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन के लिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गैसेज यानी Kp, ठीक है। तो दीज आर द न्यू कांस्टेंट, मेन चैप्टर के हीरो हैं ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको अपन किसी रिएक्शन के लिखना है, तो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट द एग्जाम में आएगा, राइट Kp एंड Kc फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। यदि ये आ जाए क्वेश्चन किसी के लिए कोई रिएक्शन के, तो मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं N2+3H2 gives 2NH3। इसके लिए Kp से कैसे लिखना है मान लीजिए, या फिर इसके लिए लिखना है H2+N2 gives 2NO, H2+N2 gives 2H2+ H2+I2 ले लीजिए, I2 gives 2HF मान लीजिए, ये लेना है। तो इसके लिए कैसे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट के लिए बहुत आसान है, क्या होता है Kc, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो कुछ नहीं करना है, इसकी कंसंट्रेशन को लिख देना होता है। तो ये हो गया आपके Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन हो गई प्रोडक्ट की, लेकिन 2 मोल है तो मोल कहा जाता है पावर में, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन, ये डिब्बा है वो कंसंट्रेशन को दिखाता है, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से Kp लिखना हो तो, या इसका पहले Kp लिख लेते हैं, Kc अपन लिख लिया, और Kp लिखना तो प्रेशर लिखो फिर, ठीक है ना। तो क्या लिखो बोलो, PnS3 लिख दिया बेटा, ये हो गया 2 प्रेशर की फॉर्म में, और ब्रैकेट आपको कैसा नहीं बनाना है, ये डिब्बा ये तो है कंसंट्रेशन वाला, ऐसा बनी बना सकते हो, ठीक है ना। इसके क्या लेगी, प्रेशर ऑफ द N2 एंड प्रेशर ऑफ
हाइड्रोजन की पावर 3, ये वाला हाइड्रोजन के मोल्स। तो ये हो गया आपके बीके सी, इसका लिख के बताते हैं। तो कैसे लिखूंगा, के सी कुछ मत करो, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ओके, तो के सी कैसे हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, एच आई की कंसेंट्रेशन की पावर 2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को ही अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। ये के सी, के पी लिखना हो तो बोलो। तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ एच आई, ये हो गया बेटा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेशर ऑफ आयोडीन। तो इस तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है कि रिएक्शन होमोजीनियस, सारे एक ही स्टेट में होना चाहिए। ये क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, ये भी गैस। सॉलिड आ गया तो क्या करोगे, उसका कंसंट्रेशन 1 होती है। सॉलिड के केस में अपन नहीं ले सकते, वो सॉलिड 1 बन जाता है बेटा। तो इसी में अपन ये कह लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, CaCO3, लाइमस्टोन जो ब्रेक होता है, क्या देता है लाइमस्टोन ब्रेक होकर के CaO+CO2 देता है। इसमें देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है, तो इट इज कॉल्ड हेटरोजीनियस रिएक्शन। तो उसमें अपन को सॉलिड का मास बदलता है क्या, सॉलिड कोई गैस कंसंट्रेशन बदलती नहीं है, तो वो 1 होती है, याद रखना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी, 1 क्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होती है, कोई भी सॉलिड हो दुनिया का, 1। तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1, ये भी 1। तो केस ये क्या आएगा, CO2 की कंसंट्रेशन ओनली, ये राइट होगा। और केपी क्या आएगा इसका, केपी आएगा आपके पी की कंसंट्रेशन CO2। तो ये कहां चले गए, क्योंकि सॉलिड थे, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है ना। हाँ बेटा, अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। तो इसमें अपन पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशन केपी एंड केसी। अभी तो अपने सीखा था कि केपी केसी कैसे लिखते हैं केवल इक्वेशन का, लेकिन यदि फॉर्मूला डिराइव करना हो तो वो कैसे करना है। तो सपोज इक्विलिब्रियम अकर्स इन द फॉलोइंग, हाइड्रोजन आयोडीन से मिलती है तो क्या बनाती है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड। सपोज इक्विलिब्रियम एंड इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ है कि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन है ए मोल्स पर लीटर, इसके ए मोल है, इसके बी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है ना। देन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। प्रोडक्ट आया नहीं अभी तो, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है ना। तो कहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा, ये ए है, बी है, तो ये क्या होगा, 0। इनिशियल का क्या मतलब हुआ, T=0, रिएक्शन येट नॉट स्टार्टेड हियर, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट नहीं आएगा 0। बट एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे ध्यान देना, एट इक्विलिब्रियम अभी तो इक्विलिब्रियम नहीं आया, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसकी ए ले लेते हैं, इसकी बी ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट ही 0। लेकिन एट इक्विलिब्रियम सपोज X mole convert into product in product, तो क्या होगा, इसमें से X mole dissociate product बना रहा है, इसमें से B minus X product बना रहा है, तो ये क्या होगा 2X, क्योंकि 2 moles इसके respective instructivity बराबर, ये बनेगा 1 mole X है, लेकिन यह 2 moles बन रहे बेटा, तो आएगा 2X, क्या आएगा, ये हो गया at equilibrium X is the quantity which convert into product, तो इसमें से reactant में से कम पड़ेगा X, माइनस हो गया वो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब व्हाट इज एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन, वो एक ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम स्टेट पे मोल्स है सारे, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, तो क्या बन जाते हैं, मोल्स बन जाते हैं, ये मोल्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स पर लीटर को अपन कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो वी से डिवाइड करना सब, ठीक है ना। तो ये हो गया सारा, इसमें इसको नोट कीजिए आप,
एप्लीकेशन डाल दीजिए, एक इक्विलिब्रियम ले लीजिए और नोट कीजिए, ये आ गया। अब अपन जानते हैं कि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, सभी बच्चे जानते हैं। फिलहाल यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये बन गए सबके मोल्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब केसी कैसे लिखता है, बोलिए केसी अभी भी लिखना सीखा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, एच आई का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द आयोडीन, कोई दिक्कत नहीं। सबकी वैल्यू, हाइड्रोजन की वैल्यू ये बैठी इसके नीचे, इसकी वैल्यू यहां पर है, इसकी वैल्यू इसके नीचे है, रख दीजिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, मोल्स जो मोल्स है ना बेटा, इनके कंसंट्रेशन सारी पुट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 2x अपॉन v का क्या आ जाएगा स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा क्या होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कौन सी, ये हाइड्रोजन था ये a माइनस एक्स अपॉन v, आयोडीन की कंसंट्रेशन कौन सी है ये b माइनस एक्स अपॉन v, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन नोट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। केसी का फॉर्मूला आ गया आपके ऊपर, क्या केसी इक्वल्स टू क्या हो गया 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है ना, 1 v स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस x ये हो गया v, और b माइनस x जो है, और v से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया नीचे v स्क्वायर, ठीक है ना, और ये ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा फाइनल फॉर्मूला 4x स्क्वायर a माइनस x एंड b माइनस x, तो आराम से पता चल गया व्हाट इज x, x वो क्वांटिटी जो प्रोडक्ट में जाती है, वो कहता है 20% प्रोडक्ट बनाता है तो x की वैल्यू 20% 0.2 हो जाएगी, है ना। तो kc इज इक्वल टू क्या आ गया 4x स्क्वायर a माइनस x एंड b माइनस x, ओके। तो व्हाट इज द a एंड b, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वो गिवन होगी, तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, इस फॉर्मूले में अपन यदि गिवन है तो अपन केसी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन केपी निकालना हो तो वी आर रिक्वायर्ड पार्शियल प्रेशर, तो ये तो है केसी की कैलकुलेशन। अब हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ केपी, क्या डालेंगे ये नोट कीजिए आप, और उसके बाद में अपन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ केपी। तो हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ साथ कैलक्यूलेशन of KP, for KP we required partial pressure, PP की full form है partial pressure of reactant, partial pressure निकालने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। और वो कैसे निकलते हैं, partial pressure यदि निकालना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस क्या हो गया, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन क्या जाएगा आपके टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर पी टोटल, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम किसके बेटा, मोल्स ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम किसके कंपोनेंट के, रिएक्टेंट्स के, ये टोटल मोल्स इनटू पी टोटल प्रेशर इससे निकलता है। मान लीजिए अपने मोल्स कितने कितने थे, हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे अपने, ये हाइड्रोजन था इसके मोल था ए माइनस एक्स अपॉन बी, और आयोडीन के मोल्स कितने थे, ये तो कंसंट्रेशन थी मोल्स ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स थे 2x, तो इनको टोटल मोल्स करें अपन, ठीक है ना, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो क्या करना है सबको जोड़ दो मोल्स को, दिए हैं अपने इक्विलिब्रियम में जो लिखा ना, तो क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स और 2x जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये x है 2x कट जाएगा ये सारा, तो a प्लस b क्या आएगा, टोटल मोल इक्विलिब्रियम अपन को निकालना है क्योंकि टोटल अपने पास में है और कंपोनेंट के मोल्स भी रेडी है, तो किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसको कैसे डिनोट करेंगे पी से, पार्शियल प्रेशर,
तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये रहे, टोटल मोल्स आपने निकाले, ये तैयार पड़ा इधर ए प्लस बी है ना। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ इसका निकालना आयोडीन का, तो आयोडीन के मोल्स क्या थे बी माइनस एक्स, टोटल मोल्स क्या है ए प्लस बी। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई निकालना, तो क्या हो गया एच आई के मोल कितने हैं 2x, टोटल मोल्स कितने हैं a प्लस बी। तो ये सारी वैल्यूज आ गई, और फॉर्मूला अपन केपी का अच्छी तरह से जानते हैं, पार्शियल प्रेशर निकल गया सारा, क्या होता है केपी, केपी इक्वल्स टू प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पी एच आई का स्क्वायर अपॉन पी एच टू प्लस पी आई टू, ये केपी का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं होकर के यहाँ केपी है तो प्रेशर है, पी लगा दिया अपन ने, बोलते हैं हम कंसंट्रेशन आ जाता बोलने में, लेकिन आसान है। तो बस क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए के पी इक्वल्स टू, एच आई की वैल्यू क्या है, पी एच आई की वैल्यू कितनी है, ये तैयार हो रही ए प्लस एक्स, और ये ए माइनस एक्स प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा बताओ, अपॉन में आ जाएगा b माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी, और इसका क्या आ जाएगा a, और इसके मोल से आपके 2x है ना, तो 2x स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा ना, प्रोडक्ट आ जाएगा 2x स्क्वायर, ओके ये हो जाएगा a माइनस एक्स, और ये था b माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लीजिए इसकी, इसके मोल्स हाइड्रोजन ने अपन के मोल्स कितने थे हाइड्रोजन के लिए, तो बिल्कुल सही है, अपन को तो प्रोडक्ट पहले निकालना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी बिल्कुल सही हो गया है, नो डाउट, इसको सॉल्व कर लीजिए पता चल जाएगा। देखो फोर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको अपन पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया आपके a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सी कट जाएगा, तो सेम वैल्यू आ रही है, इसके लिए क्या आ रहा है kp, वही आया देखो जो kc है, 4x स्क्वायर हो जाएगा a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, तो सिमिलर ऐसी रिएक्शंस जिनमें मोल्स इक्वल होते हैं, टोटल मोल्स प्रोडक्टेड के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, उसका हमेशा केपी और केसी क्या होता है इक्वल होते हैं, तो इसमें प्रूव हो गया है कि यहाँ पे केपी और केसी क्या आएगा, इक्वल फॉर्मूला आ गया है, तो इस तरह से फॉर्मूला डेरिवेशन अपन को करना होता है, तो इसकी प्रैक्टिस करने से हमने और